कैसे हैं दोस्तों। अभी मैं निकला हूँ बेतिया का बारिश का ब्लॉग बनाने के लिए कि बारिश में कैसा बेतिया दिखता है। पिछली बार जब बनाया था तो पूरा सही से नहीं बनाया था, तो अभी बना रहा हूँ मैं। इसको सिलसिलवार से शुरू करूंगा, पहले छावनी से, उसके बाद मार्केट वार्केट दिखाऊंगा, क्योंकि उस पिछले में मार्केट नहीं दिखाया था कि भाई बेतिया में मार्केट कैसा हो जाता है बारिश में, बेतिया का मार्केट बारिश में कैसा होता है, तो वही मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये है जगह, अभी हम लोग हैं मेहदियाबाड़ी, ये जगह है मेहदियाबाड़ी ईदगाह। ये सामने आपको दिख रहा होगा कि मेहदियाबाड़ी का ईदगाह हो गया, और ये सामने आपको ओवर ब्रिज। तो हम लोग बना रहे हैं इसका ब्लॉग। ये बारिश देखिए, जगह जगह पानी लगा पड़ा है बारिश में, और अभी हम लोग का जुगाड़ देखिए। ये जुगाड़ है भाई मोबाइल को बचाने के लिए, देखिए देसी जुगाड़ है, देसी। और ये देखिए भाई लोग, ये बेतिया का ओवर ब्रिज बन रहा है, और इसका सामने का रोड है ये, क्या जबरदस्त रोड। और ये देखिए उनका लग गया है भाई, एक तो आराम से हीरो बन के आ रहा है और एक लगा पड़ा है उसका। अभी हम लोग साइड में है बेतिया के, सॉरी ओवरब्रिज के साइड में, छावनी के। तो क्रॉसिंग वाला जो होता है ना, अभी ओवरब्रिज पूरा बना नहीं है, एक साइड का सिर्फ बना है, लौरिया वाले साइड का जो जाता है ना, लौरिया बानू, ये भी चालू हो गया। अच्छा, तो ये मायनाटार वाला चालू हुआ होगा, मायनाटार नरगढ़ियागंज वाला चालू हुआ है। नीचे का व्यू है, देख लीजिए आप लोग भी, हल्का फुल्का पानी पड़ रहा है, मोबाइल पे तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जुगाड़ में आपको दिखाया वो भाई जबरदस्त जुगाड़ है, देसी। छाता तो भाई मजा नहीं आएगा ना, छाता में इधर उधर भागने लगेगा, इसीलिए ये नीचे का देखिए कींच कांच। ये देखिए ओवरब्रिज बन रहा है जबरदस्त, और यहीं पे भाई हुआ था एक एक्सीडेंट, आप लोगों को दिखाया भी होगा। ये व्यू देखिए, ये गढ़ा गढ़ा, इसको गढ़ा बोलते हैं, यानी कि गड्ढा, और ये नेशनल हाईवे का गड्ढा है भाई। और ये रहा रेलवे फाटक, और ये बन रहा है आपका ओवर ब्रिज। और अगर मान लीजिए हम लोग ये गढ़ा में घुसा रहे हैं भाई, कहीं गढ़ा मिल गया जबरदस्त, तो डब से नीचे जाएंगे हम लोग, फिर मजा आ जाएगा। ले ले वो सीन है ना, अरे मौज कर दी, वही अला सीन आ जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ से भाई बोल रहा है कि मैं अब सांप बनाऊंगा, तो मुझे डर है कि भाई कहीं बना ना दे सही में। अब कैमरा को मैं साफ कर दूं भाई। उतवारी पोखरा आमना उर्दू के पास, अब जाएंगे सामने उतवारी पोखरा। ये कैमरे पे अभी लग रहा है पानी आ गया, उसको पीछे साफ करना पड़ेगा, उसका भी जुगाड़। इसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा है कैमरा वाला। सामने है गंगा नदी, बहुत ही जोखिम के साथ हिलना पड़ेगा हमें। वाह क्या नदी है भाई, देखिएगा भाई कहीं गढ़ा ना आ जाए, उसमें गंगे में हमारे गंगा ना हो जाए, सॉरी विसर्जन ना हो जाए हमारा। गंगा में विसर्जन हो गया तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। ये है उतराई पोखरा का भाई, यहाँ पे पानी लगा हुआ है। और ये देखिए भाई फान पे मरा हुआ है, पूरा उफान मार दिया है पानी, आप इसमें भूल के भी बताइएगा, नहीं तो आपका लाश निकलेगा इसमें से, अगर जिन्हें स्विमिंग करना नहीं आता है, तैरना उठ रहता तो मजा आता है इसमें। ये देखिए भाई बिहारी जुगाड़, छाता दिख रहा है। अब हम लोग आ गए हैं, ये है लाल बाजार, इधर ही मीना बाजार, लाल बाजार, सारे बाजार हैं इधर का भी, ठीक है पानी नहीं लग रहा है इधर, बस बारिश की तरह मतलब जो मौसम है वो हुआ पड़ा है। तो ये भी देख सकते हैं कि भाई बारिश में मार्केट कैसा दिखता है, तो ये दिखता है भाई। नहीं नहीं इधर भी पानी लगा हुआ है, ये गंडक नदी है, बहुत ही गंदा नदी है। गंडक नदी गंदा नहीं होता है, लेकिन ये गंदा नदी है, गंडक नदी है, गंदा नदी है, ये गंदा नदी है, वो गंडक नदी गंदा नहीं होता, लेकिन ये गंदा नदी है। ये पूरा इधर मार्केट खुला हुआ है, लेकिन लोग बहुत कम है, पूरे इधर एक का दो का लोग दिख रहे हैं, या फिर स्टाफ सिर्फ दिख रहे हैं। गंगा नदी के बीच में हमें गंदा नदी मिल गया था। घर संसार है, ये मौसम के वजह से पूरा मतलब जान भी करते हैं, नीचे करो नीचे, मार्केट जो है डाउन पड़ा रहता है, मार्केट मौसम की वजह से, ये बारिश हो रहा है ना इसलिए। अभी हम लोग ये रास्ते में आ गए हैं टाउन हॉल के,
और इधर से रमना भी चले जा सकते हैं। ये पुराना बिल्डिंग देख लीजिए, और सामने देखिए गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा है ये भाई, ब्रह्म 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 नहीं ब्रह्मपुत्रा। ये है क्या कहते हैं स्मृति पार्क सामने, और ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। भ्रम करता है भाई ये भ्रम, ये कितना जबरदस्त लगा हुआ है पानी। बेतिया में है आप तो तैरना तो पड़ेगा मेरी जान। शहीद स्मारक पार्क और सामने टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने देखिए पानी, इसमें तो लग रहा है डूब जाएगा भाई आदमी। इसमें स्विमिंग कर सकते हैं भाई हम लोग, ये टाउन हॉल में देखिए भाई टाउन हॉल का। अरे भाई घुटने तक पानी है इसमें तो, देख लीजिए भाई पानी कहाँ तक लगा है। मेरा बनाइए भाई, ये टाउन हॉल का जगह है ये, मैं आता हूँ मेरा बना दीजिएगा, मैं अंदर जाता हूँ, बता दो भाई कितना पानी लगा हुआ है, बस पकड़े रहिए भाई, बाइक लेके जाएंगे भैया दिखा देंगे। डुबकी लगाना डुबकी। ये भाई साहब बोट चल सकती है, बोट भाई यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए ये टाउन हॉल पे, अगर किसी को नहीं पता है तो भाई आप लोग अपने जानने वाले में बताइएगा, यहाँ पे मारवाड़ी युवा मंच लगा हुआ है, केमिकल जो कहते हैं ना केमिकल कैंप, मेडिकल कैंप वही लगा हुआ है यहाँ पे। यहीं पे लगा हुआ है कैंप, तो हम लोग एक हैं जानने वाले, उनको छोड़ने आए थे, और यहाँ से फिर जाएंगे आगे ब्लॉग बनाने। ये भाई क्या मंजर लग रहा है, ये सामने पूरा स्विमिंग पूल, और ये देखिए मेरा जुगाड़ खत्म होते हुए, मेरा जुगाड़ खत्म है लेकिन मोबाइल को बचाना है, सिर पे नहीं है मोबाइल पे है। देखिए क्या दिन आ गया है, वो क्या कहावत है भाई कि घट जाए वाला कहावत नहीं है कि वो घट जाए लेकिन पूज ना घटे वाला कहावत नहीं है। हाँ हाँ रस्सी जल जाए ऐठन ना जाए, वही वाला सीन है भाई यहाँ पे कि आदमी भींग जाए लेकिन मोबाइल का कुछ नहीं होना चाहिए, आदमी की जान फट जाए पर मोबाइल नहीं फटना चाहिए। हम लोग निकल रहे आगे एमजेके की तरफ निकलेंगे, वहाँ पे देखते हैं कि उसका क्या सिचुएशन है, उधर पानी वानी लगा है कि नहीं लगा है। स्लो चलाइए भाई, दुर्गा पूजा का बन रहा है पावर हाउस पे, और उसी के सामने फिर से मिला हमको ब्रह्मपुत्र। अभी ये गंदा नहीं है तो इसलिए गंदा नदी नहीं है ये, लेकिन ये भ्रम है, ये भ्रम पैदा करता है भाई, यहाँ पे नदी है, देख लीजिए भाई ये है हाल। अब आगे चलते हैं, वो रोड तो ऊंचा है तो शायद नहीं लगे। ये हमारे हैं बाबा साहेब एमजेके वाला रोड, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। सागर पोखरा, ये भी उफान मार रहा भाई सागर पोखरा, चलिएगा भाई जरा पास में, उसी से आगे से ले लीजिए ना वो ठेला के पास। दम इसका पानी उफान मार रहा भाई, बोटिंग वोटिंग देखिए उतना दूर छोड़ दिए हैं, क्या सीन है भाई साहब। सामने है पावर हाउस, इसके सामने तो नहीं लगा हुआ है पानी वानी, पावर हाउस अब इधर आ गया है ना जहाँ से सप्लाई होता है उधर, अब बस इतना रह गया है कि जमा उमा बिल उल होता है तो अब बाई चांस कोई करने आता है, अब तो ऑनलाइन ही हो जाता है, रिचार्ज वाला सिस्टम आ गया है। आपको दिख ही रहा होगा भाई, आप समझ जाएंगे क्या है एमजेके कॉलेज का बाउंड्री, गेट भी दिखा देते हैं, और इधर देख लीजिए पानी वानी इधर नहीं लगा, इधर सही है मौसम, यहाँ भाई लग रहा है कि हाँ क्या मौसम लग रहा है, हेवी फाड़ू मौसम, जो समझते हैं ना फाड़ू किसे कहते हैं हमारे बिहारी लैंग्वेज, या फिर ये अपना लैंग्वेज में कह सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत, तो डिसेंट सा लैंग्वेज होता है ना भाई, जबरदस्त आग लगा दी वैसा लैंग्वेज है भाई ये।
ये भी कार चलता है भाई आज के जमाने में, ये भी कार चलता है भाई आज के जमाने में। बताइए लाल बत्ती ये है MGK का गेट, MGK कॉलेज, यहाँ पे भी बच्चे आ रहे हैं। ये हम लोग इंटर किए हैं MGK कॉलेज में, काफी सुनसान लग रहा है भाई कॉलेज, बारिश का मौसम है। और ये रहा भाई साहब MGK कॉलेज में पानी यानी बाढ़ आ गया है दोस्तों, यहाँ आ गया है बाढ़। आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आके बोट भी चला सकते हैं, सोचिए। ये बिल्डिंग काफी खूबसूरत लगता है, मैंने इसका बनाया भी होगा आप लोग, बहुत ही पुराना बिल्डिंग है ये बिल्डिंग जो है ना राजा लोगों का बनवाया हुआ है, मतलब राजा लोगों का नहीं, राजा का, महारानी जानकी जो है ना, वो राजा हमारे बेतिया राजा है ना, उनकी वाइफ थी। देखिए कितना खूबसूरत लगता है, ये सामने उसका पानी ही पानी। और ये रहा भाई आप तालाब, आप यहाँ पे स्विमिंग करने आ सकती है बेटिया में, और बोट भी ला सकते हैं साथ में, वो कागज वाला नाव ला के इस पे आप तैर सकते हैं, कागज वाले नाव पे बैठ जाइएगा और चलते रहिएगा। ना भाई वो डूबता नहीं है भाई कागज वाला नाव, आप उसमें बैठ के घूम सकते हैं पूरा। लोहा डूब जाएगा, कागज नहीं डूबता है। सकल थोप लेते हैं भाई लोग। और वो वहां पे सामने दो जोड़ा दिख रहा है हमको। नहीं ये मिस्टेक हो गया, ये जोड़ा नहीं है भाई, बहुत ही गलत हो गया है, हम प्रिडिक्ट गलत कर देते हैं, कभी कभी हो जाता है, इंसान ही है भाई, ह्यूमन बीइंग, गलती हो जाती है हमसे भी। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मुहर्रम चौक, MGK से निकल गए हम लोग, वो स्थिति दिखा रही है, देखिए इधर भी गंदा नदी है, इधर गंगा नहीं गंदा, और हल्का हल्का इधर भी नदी बन रहा है। और ये सामने से देखिए भाई लोग क्या, ये शक्ल नहीं तो उतना था भाई। आँख की गर्मी क्या बोले हैं सर, आँख की मुझे लगा आपकी गर्मी, गर्मी है। और सामने भाई मैं आपको दिखाता हूँ, सामने यहाँ पे एक शेर रहता है जो कि यहाँ पे पहरेदारी करता है, ये मुहर्रम चौक में ना पहरेदारी करता है, अगर आना हो ना बच के आइएगा, नहीं तो कभी खा हो जाएगा आप लोगों को। देखिए सामने बैठा हुआ है यहाँ पे, वो अशोक चीन है भाई, वो मजाक की अलग बात होती है लेकिन वो है अशोक चीन। कचहरी, बेतिया का कचहरी, पहले राज कचहरी भी बोला जाता था हमारे बेतिया में, कचहरी को वो था उधर राजा के तरफ, जिधर मैं राजदेवरी दिखाया था उधर ही राज कचहरी भी था। ये है राज कचहरी का सामने का व्यू, तो इधर देखिए वो कौन सा कॉलोनी है भाई, अफसर कॉलोनी आगे है, छोड़िए नगर पंचायत का वो, नगर पंचायत कॉलोनी बताइए, नगर पंचायत डूब रहा है, नगर पंचायत डूब गया है, जब नगर पंचायत डूब रहा है तो बेतिया नहीं डूबेगा भाई, हैं बताइए, नगर पंचायत को आप लोग डुबा दिए हैं तो बेतिया तो डूबना ही है। कलेक्ट्रेट ऑफिस यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा आई लव चंपारण, बस स्टैंड, ये बस स्टैंड के सामने का हाल है भाई लोग, देखिए पानी लगा हुआ है लेकिन बस रुक नहीं रही है, इनको भी भाई पैसे कमाने की होड़ लगी पड़ी है, और लोग अपना आना जाना तो छोड़ भी नहीं सकते ना भाई, इंपॉर्टेंट काम होता है, बारिश बारिश में भी आना जाना रहता है। ये रहा डिवाइडर, ताकि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन हमारे बिहार में कोई सुधरते नहीं है, नहीं होता था डिवाइडर तो जाम वाम और एक्सीडेंट होता था, अब बचा लेते हैं, मतलब मनसा टोला वाले रोड में, ये मनसा टोला के बगल से रोड जाता है, कौन सा रोड है ये रोड है
कौन सा गढ़वा भोगारी, और इसमें अकबर नगर का भी गली पड़ता है, मतलब अकबर नगर होते हुए सब कोई जाता है सरिसुआ रोड, इसको सरिसुआ रोड ज्यादा मतलब फेमस है इसी नाम से सरिसुआ रोड। तो हम लोग उसी में, यहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा है तो उसको दिखा देते हैं आप लोगों को, ये बारिश में क्या हालचाल है ओवर ब्रिज का। ये सब जो दिख रहा है आपको टूटा हुआ, ये सब यही ओवर ब्रिज के लिए तोड़ा हुआ है। ये देखिए ये सब घर वर पूरा उजाड़ दिया है, बहुतों का घर जाएगा अभी, बहुत कम टूटा हुआ है। ये फाटक है रेलवे फाटक पिलर के लिए, देखिए मोटा मोटा सा छड़, गोल गोल और मोटा मोटा, कुछ और नहीं समझ जाइएगा भाई। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। सब लगा हुआ है, सामान पूरा गिरा हुआ है बनने के लिए, इसका भी हाल बहुत खराब है। ये तो अब लग रहा है कि भाई पानी ये हटेगा तभी ये शुरू होगा बनना। ये हम लोग पहुंच गए स्टेशन चौक, तो स्टेशन चौक काफी खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, और रीजन भी है भाई बारिश हो रहा है और पानी वानी भी नहीं लगा है। ये होटल है और ये इधर स्टेशन चौक। तो ये घर संसार ऐसा लग रहा डूब रहा है, और यूएस पोलो में चले गया है, लग रहा है जैसे डूब जाएंगे, पुलियो उलियो लग गया है। अरे मजाक नहीं बना रहे भाई कंपनी वाले, हमें रिपोर्ट ना करना, कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम लेके करना। हाँ नहीं नहीं देखिए बारिश के मौसम में सांप बनाइएगा तो हमारा सांप बन जाए, हड्डी को पता नहीं चलेगा किधर मुड़ना है, वो सांप बना देगा, इधर उधर चला जाएगा, उसके बाद हॉस्पिटल में मुलाकात होगा। अब भाई क्या हालचाल और मना साहब, ये सुप्रिया रोड बजाज का शोरूम, ये भी खाली पड़ा है, आज पूरा मार्केट आपको खाली मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ ट्यूशन वाले लोग समझते हैं ना, स्टूडेंट्स, लेकिन वो भी नहीं दिख रहे हैं। बारिश में तो किसी को कहीं जाने का मन भी नहीं करता है, बच्चों को तो और पढ़ने का मन नहीं करता है बारिश हो जाए तो। ये है होलसेल बाजार, काफी अच्छा है, एक होलसेल बाजार वाले भाई थे, वो मैं बनाया नहीं था ना मार्केट का पूरा, मैं होलसेल छूट गया था, वो बोला था भाई तुम होलसेल छोड़ दिए हो यार, लो भाई मैं बारिश में तुम्हारा होलसेल का बाजार का बनाने आया हूँ, सोच लो अब कुछ नहीं कहना, मुझे क्रेडिट देना और शेयर करना, और एक रुपया भी नहीं मिलेगा। और ये रहा भाई साहब आधा नदी, ओवरब्रिज मांग रहा है, मांग रहा है भाई, ये रोड ओवरब्रिज मांग रहा है, देखिए रीजन बताते हैं, देखिए कैसे एक नदी पे ओवरब्रिज होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, ये नदी पे भाई पार कैसे करेंगे, ओवरब्रिज नहीं होगा तो डूब जाएंगे हम लोग, कहीं मर उड़ गए तो एक जिंदगी है। बताइए इतना रिस्क लेके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अगर डूब गए तो यहाँ पे ओवर ब्रिज खोज रहा है भाई, नहीं तो कम से कम हम लोग के लिए बनाइए। हाँ लेकिन देखा के नहीं ठोकना भाई, जो भी बारिश में देख रहे हैं कैसे लुकाया जा रहा है। भाई बिहारी व्लॉगर है सब चलेगा। छिपा जा रहा है बोली तो बचा जा रहा है बोली, लुकाया जा रहा है इज द बेस्ट, छिपा जा रहा नहीं लुकाया जा रहा है। और अब इधर चलते हैं चाय पीने, वहां पे देखते हैं भाई चाय के, तो सामने नदी बह रहा है पूरा मजा से, नदी बह रहा मजे में अपना फ्लो में बह रहा, मतलब इतना शौक है भाई नदी में जाने का कि ये देखिए शौक, लोग कुत्ता पालते बिल्ली पालते हैं भाई, शौक पालते हैं नदी में घुसाने का। ये है भाई फेमस चाय, इधर चाय वाले बहुत मिलते हैं। इधर आ इधर, बारिश में नहाने नहीं गई है क्यों, बारिश में नहीं गई, नहाने का मन नहीं करता है नहीं
तुमको जी तुम नहाएगा बारिश में, तुम्हारा वीडियो बनाएंगे पक्का बताइए। वीडियो बनवाने के लिए तुम बारिश में नहाएगा? और तबीयत खराब हो गया तब जी? ठीक हो जाएगा? वाह, ये क्या है जी? ये नदी है कि नाला है, क्या है? समुंदर है? ये समुंदर है? मछली है जी। हाँ लाइए भाई लाइए मछली। तो जाल लाओ, मछली मारो। तुम क्या कर रहा है यहाँ पे? तुमको मछली मारना चाहिए, जाल वाल तुम नहीं ला रहा है। तुम जाल ला दी क्या जी? ये क्या है? ये क्या है? जेके जैकेट है, पहनेगी? भैया का है। हम लोग पहुंच रहे हैं अब चाय पीने के बाद कमलनाथ नगर। ये कोचिंग पॉइंट है, कोचिंग सेंटर। इधर भी पानी लगा होगा तो वही बनाने के लिए चल रहे हैं कि देखते हैं भाई इधर क्या हालचाल है, बाइक जा पाता है या नहीं। यहीं से शुरू हो गया भाई, देखिए हमारा गंदा नदी यहाँ से शुरू होता है। ये गंगा नदी, हम लोग बोल रहे थे ना भाई ब्रह्म नदी और गंगा नदी, तो ये है गंगा नदी। एक जगह गंगा नदी भी था काफी साफ सुथरा, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी है। ये हाल है भाई, ये तो बच्चे यहाँ पे तो तैर के आना पड़ेगा बच्चों तुम लोगों को ना भाई। ये तो समुंदर लग रहा है भाई, दूर दूर तक पानी ही पानी। और ये ऐसा रास्ता है भाई, देख के चलाइएगा नहीं तो अचानक से नीचे हम लोग जाएंगे डब से, तो हो जाएगी मौज कर दी। हाँ मौज कर दी वाला सीन हो जाएगा। वाह क्या सीन है, ये देखिए भाई, लीजिए ये तो नीचे चला गया भाई एकदम से। अरे भाई साहब ले लीजिए कोई और गली। ये गाड़ी भाई बंद होने से बचा है। ये हाल है भाई बेतिया का। ये तो पूरा कमलनाथ नगर भाई डूब गया, तैर रहा है यार। कैसा मजा आ रहा है भाई बाइक चला के? हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल रोड की तरफ, तब तक नजर पड़ा भाई इसका, ये नजारा देख रहे हैं भाई क्या ये भी नजारा, पारू नजारा। नाव चलाइए इसमें, स्विमिंग कीजिए इसमें, मछली मारिए इसमें, जो करना है वो कर सकते हैं। खुला ऑफर बेतिया वालों आ जाओ। ये अजंता रोड है, अजंता। आगे दूर दूर तक भाई ऐसा लग रहा समुंदर बना हुआ है। बेतिया जो है ना बारिश में तैर रहा है, डूबा नहीं है भाई, बारिश में तैर रहा है। मार्वल वाला मूवी समझ लीजिए। आप कहिएगा भाई ब्लॉगर है, ब्लॉगर बनो, फेंको नहीं। तो भाई ब्लॉगर वही बनता है जो कुछ ज्यादा बोलता है। चलते हैं भाई हॉस्पिटल रोड, यहाँ तो हो गया, देखते हैं हॉस्पिटल रोड का क्या हाल चाल है। उधर भी पानी लगा होगा क्योंकि काम लगा है। अब हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल रोड। ये हाल है भाई हॉस्पिटल रोड का। अब तो बारिश छूट गया, उतना मजा नहीं आएगा, फिर भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छा क्या लग रहा है भाई, ये गटर का पानी है, अच्छा तो कभी नहीं लगने वाला। ये हाल है भाई हॉस्पिटल रोड का। ये पूरा तो आपको दिखाया ही था, सब हॉस्टल है। और ये सामने का रोड तो सूखा सूखा सा लग रहा होगा भाई आप लोगों को, अभी तो एरिया सूखा सूखा सा लग रहा होगा। रीजन पानी नहीं हो रहा है, यानी बारिश छूट गया है। लेकिन ये इलाका अब बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि को बहुत जल्दी इसका रोड भी बन जाएगा। ये रहा सामने हॉस्पिटल का गेट, गेट नंबर सिक्स है हॉस्पिटल का। ये कुछ नजारा हॉस्पिटल का, इसके अंदर भी देखते हैं क्या हाल चाल है। इसके अंदर भी भाई पानी लगा हुआ है, भीड़ कम है भाई साहब पहले से ना भाई, इसमें भी पानी लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़ा बहुत लगा है, भीड़ कम है। तो पहले तो इतना भीड़ रहता है कि इधर सब गाड़ियाँ पार्किंग भर गया होता है पार्किंग का।
बारिश की वजह से। ये देखिए ये पूरा पानी, हॉस्पिटल अभी बन रहा है तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता पानी लगा है तो। क्या लगता है भाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को बनाने से मना करता है लोग, देखते हैं बनाने देता है कि नहीं। अभी तो कोई दिख नहीं रहा, कोई बोलेगा नहीं ऐसा लग रहा है। ये कॉलेज है, दूर से काफी हेवी लगता है। और ये सामने हॉस्टल, इधर पूरा हॉस्टल आपको दिख जाएगा। और ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये गेट ये देखिए, यहाँ से क्या हेवी लगता है भाई, व्यू नजारा ये अच्छा लगता है भाई। इसके बाद ये गेट से निकलिए, सामने रमना पड़ेगा आपको। और ये ऑडिटोरियम, ये रमना का हाल है, ये रमना वाला रास्ता है रमना जाने का। रमना भी खाली है, खाली खाली सा है रमना पूरा। बादल क्या दिखा रहा है भाई, क्या हेवी बादल दिखा रहा है, काला काला सा। ये हम लोग रमना का एंट्री कर रहे हैं, इसका भी गेट बन गया है। यहाँ पे मिलता है चाय और वो है बंद, पूरा खाली है। बारिश में आपको मैंने बेतिया पूरा घुमा दिया, कहाँ कहाँ पानी लगता है, बेतिया कैसे दिखता है बारिश में। तो मिलते हैं भाई अगली ब्लॉग में, ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और बारिश में भाई मैंने बनाया है बहुत रिस्क लेके, मोबाइल का भी दिक्कत था कि कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। तो भाई लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं तो कम से कम लाइक और देखिएगा जरूर, व्यूज बढ़ाइए भाई लोग। कब तक भाई हम ये 200-300 के व्यूज पे हमें रखिएगा, सपोर्ट कीजिए। आप लोग तो सबको सपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे जितने यूट्यूबर हैं हमें भी कीजिए भाई। हमनी के सपोर्ट ना करवा लोग तकेत्र चली है।